हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतगुरु लोक उजागर। क्या हुआ प्रिय? मैं देख रहा हूँ तुम भयभीत हो, चिंतित दिखाई दे रही हो। मारुति की चिंता सता रही है मुझे, बार बार संकट घेर लेते हैं। वो दानव वृक्षासुर कैसे अपनी भयानक शाखाओं से मेरे नन्हे से पुत्र पर आक्रमण कर रहा था, वो देखकर तो कोई भी माँ भयभीत हो जाएगी। मैं भी अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित तो होंगी, किंतु तुमने ये भी तो देखा कि हमारे पुत्र ने उस दानव को कितनी वीरता से मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। इसीलिए तो और भी भयभीत हो रही हूँ मैं। मारुति की अद्भुत लीलाओं का गुणगान सुमेरु से बाहर भी होने लगा है। क्या करूं? संसार की दृष्टि से कैसे बचाऊं इस नटखट को? चिंता की आवश्यकता नहीं है प्रिय, मैंने मारुति की सुरक्षा की सारी व्यवस्था कर दी है। भवन के चारों ओर अतिरिक्त पहरेदारों की नियुक्ति की है और सबको निर्देश दे दिया है कि मारुति पर पूर्णतः दृष्टि बनाए रखें। किंतु मैं अब अपने पुत्र को भवन के बाहर पैर भी नहीं धरने दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं अपने मारुति को अपनी दृष्टि से पल भर के लिए भी उछल नहीं होने दूंगी। ये भवन ही इसका क्रीड़ा स्थल होगा। मेरी आंखें इसकी आठों पहर की पहरेदार होगी, मेरा आंचल। मेरा आंचल इसको हर बला से, हर संकट से दूर रखेगा। जय जय लंकेश, आपने किया स्मरण, मुझे नहीं लगा एक क्षण उपस्थित है अतिबल, जिसमें है बलबल, बलबला बलबल। सर नीचे अतिबल,
हो तो तुम छो छोटे से बोने शाकाहारी, तुम्हें तो रसीले फल प्रिय लगते हैं, असुरों के नाम पर तो तुम धब्बा हो। अरे देखो इसे, पहला और अंतिम शाकाहारी राक्षस। आस फूस का सेवन करने वाला। मांस का भक्षण किया होता तो बच्चे से बड़ा हो जाता ये। इससे बड़ा तो मेरा मुक्का है। किंतु छल कपट और चतुराई में मेरे अतिरिक्त इस पूरे दरबार में तुम्हारी समानता और कोई नहीं कर सकता अतिबल। लंकेश, मैं दूर से ही किसी के भी मन की बात अपनी शक्ति से भांप लेता हूं। जहां खड़ा होता हूं उसी वस्तु में ढलकर स्वयं को छुपा लेता हूं, चाहे वो पत्थर का स्तंभ हो या कोई सिंहासन। तुम्हारी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही तो हमने तुम्हें यहां स्मरण किया है अतिबल। तो बताइए लंकेश, मैं अपने छल बल और चतुराई से धरती आकाश या पाताल में से किसका सीना चीरकर उसकी गुप्त योजनाओं का पता लगा के लाऊं? बताइए। तुम्हें आकाश और पाताल एक नहीं करना है अतिबल, तुम्हें सुमेरु जाकर यह पता लगाना है कि वृक्षासुर का वध जिस वानर बालक ने किया है उसके पीछे किस देवता का हाथ है। यदि उसके पीछे इंद्र का हाथ है तो बड़ा आनंद आएगा, महादेव की सौगंध बड़ा आनंद आएगा। उसे मैं उसके इस दुस्साहस के लिए इतने प्रेम से सताऊंगा और एक ऐसा आघात करूंगा कि वो तीनों लोकों में उछलता फिरेगा। समझ गए ना? जय लंकेश, सब समझ गया अतिबल। जिसमें है बल, बल बल बला बल बल। क्या समझे? यही प्रभु कि मुझे ये फल खाना है। क्या समझे? क्या समझे? यही लंकेश कि सुमेरु जाकर उस वानर बालक की शक्ति के पीछे किस देवता का हाथ है ये पता लगाएगा ये अतिबल। जिसमें है बलबल, बलबला बलबल।
सुमेरु अतिबल, जय लंकेश। अब ध्यान से सुन लो तुम सब, आतंक व्यभिचार और अत्याचार का डंका पूरी पृथ्वी पर गूंजना चाहिए। अधर्मी रावण के नेत्रों पर उसके अहंकार का आवरण पड़ा हुआ था, वो नहीं देख पा रहा था। जिसे वो तुच्छ वानर बालक समझ रहा है, वही एक दिन उसके अहंकार को चूर चूर कर देगा, उसकी चमचमाती स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर काला कर देगा। उसे लग रहा था कि मारुति के क्रियाकलापों के पीछे किसी देवता का हाथ है। वो ये नहीं जानता था कि मारुति किसी देवता की योजना का हिस्सा नहीं, अपितु स्वयं उसके आराध्य देव शिव शंकर का अंश है। और पुत्र, स्मरण रखना, भवन के प्रांगण से नहीं जाओगे, और जो भी करना माँ से पूछकर ही करना। प्रिय, जी आर्य पुत्र, मारुति पर इतने बंधन लगाना अनुचित है, वो बालक है अभी। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि अभी वो बालक है, देखने में बड़ा लगता है किंतु है तो अभी बहुत कम आयु का अबोध बालक, जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं। उसकी सुरक्षा तो मुझे ही करनी है। जब बड़ा हो जाएगा आप अपनी इच्छा अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। माँ हो तुम, जैसी तुम्हारी इच्छा। और महाराज, आपके लिए संदेश है। मुझे अपने राज्य से बाहर जाना होगा। मैंने सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर दी है, फिर भी तुम सावधान रहना। तो अचानक बाहर कुछ विशेष? पंपासर से महाराज पंपेश्वर का संदेश आया है, कुछ आसुरी गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। रावण छोटे बड़े असुरों को एकत्रित कर चारों ओर आतंक फैलाकर वानरों और मानवों को समाप्त करना चाहता है। ऋषिराज को भी संदेश मिला है, वो आते ही होंगे, मुझे भी उनके साथ जाना है। मारुति के नेत्रों में अंजन लगाना है, उससे मारुति के नेत्र सुंदर भी लगेंगे और मारुति इसके टीके से सबकी कुदृष्टि से बचा भी रहेगा। माँ, अब मारुति अपने मित्रों के साथ खेलने जाएगा, है ना माँ? मारुति अब से यहीं खेलेगा, अपने भवन। भवन में? किंतु यहाँ मारुति के तो कोई मित्र ही नहीं है। मारुति किसके संग खेलेगा? मैं बताती हूँ ना, यहाँ बहुत कुछ है खेलने के लिए। आओ। देखो कितने सुंदर खिलौने हैं, ये लट्टू, ये घोड़ा गाड़ी, ये हाथी,
इनके साथ खेलो, मारुति को बहुत आनंद आएगा। किंतु माँ, मारुति को अपने मित्रों के साथ वाटिका में खेलने में बहुत आनंद आता है। मारुति वाटिका में ही खेलेगा। अरे अरे पुत्र, एक बार इन खिलौनों के साथ खेलकर तो देखो, बहुत आनंद आएगा। किंतु मारुति अपने मित्रों के साथ वाटिका में क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि मारुति की माँ मारुति से बहुत प्रेम करती है। मारुति के बिना माँ का कहीं मन ही नहीं लगता। माँ मारुति को नहीं देखती तो उदास हो जाती है। क्या मारुति अपनी माँ को उदास देखना चाहता है? ठीक है माँ, अब से मारुति यही खेलेगा, किंतु आप कभी उदास मत होइएगा। सागर जय कबीर सति हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कान सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आदुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, प्रेम रूप मारुति रामचंद्र। अब इससे नहीं तुम गेंद से खेलो। किंतु माँ, मारुति को लट्टू से खेलने में बहुत आनंद आ रहा है। पुत्र, इस लट्टू से देखो ना, कितने स्थानों पर खरोंच और गड्ढे बन गए हैं। तुम गेंद से खेलो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। अरे पुत्र, धीरे से पुत्र, धीरे से। ठीक है माँ। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, कैसे समझाऊं इसे? आप ही कुछ करिए प्रभु।